अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नसीबा में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी शेयर करूंगी, ना कभी बनाया होगा ना कभी खाया होगा। इसकी सब्जियां तो बहुत खाए होंगे आप लोग, लेकिन ये रेसिपी नहीं खाए होंगे। चलिए बनाते हैं। 150 ग्राम हमने फूल गोभी ले लिया है, कुकर में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से धो लिए है। हरी मटर हमने ले लिया है 200 ग्राम, जो धो लिया है। 5 मीडियम साइज आलू ले लिए हैं, कुकर में ऐड कर देंगे। 2 टमाटर ऐड कर रहे हैं, जो चटपटी सी तीखी सी और अच्छी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें, सूखा ही रखेंगे, नहीं तो गल जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। को कवर कर देते हैं, इसको ढक्कन लगा के फ्लेम हाई करके दलिए तब तक आटा लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आटा मेरा लग गया है। आटा ऐसा लगाइए ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, ये देखिए एकदम लचीला हो। चलते हैं कुकर को, देखते हैं कि सब्जियां हमारी बॉयल हो गई है। 2 सीटी हो गया है, अब देखते हैं सब्जियां बॉयल हो गई है कि नहीं। ये देखिए एकदम अच्छे से बॉयल हो गया, मटर भी अच्छे से हो गया है, गल गया है एकदम से। देखिए आलू भी बॉयल हो गया अच्छे से। अब इसको प्लेट में पानी से अलग करके निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पानी को अलग कर दिया सब्जियों से। सब्जी को ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी साइड पे, तब तक चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, ऑयल गरम हो गया है। 1 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देते हैं इसमें तड़के के लिए। 1/2 स्पून सौंफ ऐड कर देंगे, 1/2 स्पून काला जीरा ऐड कर देंगे। गैस के फ्लेम को लो करके तड़का लगाएंगे। आमचूर पाउडर 1/2 स्पून ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। ये जो टमाटर हमने लिया था, 2 बॉयल करके उसके छिलके उतार के चम्मच की सहायता से इसको क्रश कर दिया है। इस तड़के में टमाटर को ऐड कर देते हैं, जो हमने 2 बॉयल किया था। आप चाहे तो मिक्सर जार में इन टमाटरों को पीस सकते हैं। 50 ग्राम गुड़ ऐड कर देंगे चटनी में। 1/2 स्पून चीनी ऐड कर देते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसमें। 1 से 2 मिनट इसे पका लेते हैं ऐसे ही। 1/4 काला नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसे ढक्कन से कवर कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गया इसे पकाए, देखते हैं हमारी चटनी कैसे बनके तैयार हुई है। खट्टी मीठी तीखी चटनी, चटपटी सी चटनी बनके तैयार हो गया है। अब इसे साइड पे रख देते हैं, ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम इसे गर्म ही आलू थोड़ा रहेगा तभी मिक्स कर देंगे। इसमें कुछ भी डालेंगे नहीं मसाले, इसको थोड़ा तड़का लगाएंगे हम कढ़ाई में, तभी मसाले ऐड करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताइए, और आगे ये वीडियो देखते रहिए। ये देखिए मिक्स हो गया, अब इसको रखते हैं साइड पे, इसको तड़का लगा लेते हैं। 2 स्पून सरसों तेल, 1 लाल मिर्चा सूखा तोड़ के ऐड कर देंगे। 1/2 स्पून सौंफ ऐड कर देंगे। 1 स्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। 1/2 स्पून जीरा ऐड कर देंगे। 1 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, आप टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर 1 स्पून छोटा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 स्पून नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सभी तड़के मसाले को हम मिक्स कर, आलू मटर गोभी मिक्स किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देते हैं तड़के में, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चला चला के। ये एक नई रेसिपी है, देखते रहिए फ्रेंड क्या बनता है इसका। एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे रोज रोज बोलेंगे खाने के लिए। खाने में बहुत ही लजीज, टेस्टी और बढ़िया लगता है। आलू गोभी मटर सब मिक्स हो गया है। स्वाद के लिए थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। आलू गोभी मटर की तैयार हो गई है तड़के वाले मसाले, अब इसमें भर के बनाएंगे हम। और रख दिए हैं, आप चाहे तो पेन वाली तवा भी ले सकते हैं। हर किसी के पास पैन वाली तवा नहीं होती, नॉर्मल तवा सबके पास होता है। अब चलते बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा आटा यहाँ पे डस्टिंग कर लेते हैं, ताकि जो हम रोटी बेलेंगे वो इसमें चिपकेगा नहीं। पेड़े काट लिए हमने, ये देखिए इसको लोई बना के, अब इसमें जो हमने जो मसाले तैयार किए थे आलू गोभी मटर के, अब इसमें ये देखिए हमने भर लिया है, जितना चाहें उतना भर सकते हैं। ये देखिए अब इसके ऐसे, ये बनाने का अच्छा तरीका है, ऐसे करेंगे रोल रोल बेल लेते हैं यहाँ पे रख के। अब इसे
बेलन की सहायता से इसे अच्छे से बेल लेंगे। आप चाहे इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने अभी से तवे पे डालेंगे, ऐसे ही बनाइए। तैयार हो गया है ना, देखिए। अब ऑयल लगा लेते हैं इसको, ऊपर ऊपर ऑयल लगा लेंगे बढ़िया से। ये देखिए, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। एकदम लाल और अच्छे से बन गया ना, थोड़ा भी कच्चा नहीं है, एकदम बढ़िया से हो गया है। अब इसको उतार लेते हैं प्लेट में। अब दूसरा, अब तवे पे डाल देते हैं इसको। इसे बनाइए पकौड़ी और समोसा खाना भूल जाएंगे कम ऑयल में। इसको हम तवा पे बना रहे हैं, आप चाहे तो ज्यादा ऑयल में कढ़ाई में भी छान के बना सकते हैं। फ्रेंड्स, है ना कमाल के पराठे। एक कम समय में और अच्छा और लजीज पराठे बनके तैयार होते हैं। ये देखिए, फुले फुले पराठे हो रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, वाओ, कितना अच्छा फूल गया है पराठे। पराठे बनके रेडी हो गए हैं। हमारे गर्म गर्म पराठे बनके तैयार हो गए हैं। कितने, ये देखिए फ्रेंड, चटनी चटपटी चटखारेदार चटनी भी बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो पूरी पराठे या कचौड़ी भी कह सकते हैं। मेरे पराठे कितने अच्छे बने हैं देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं बना के, या कहीं बाहर जाइए लेके जाइए। चलिए इसको गर्म गर्म पराठे को हम गर्म गर्म पराठे को हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इस चटपटी चटनी के साथ, वाओ, इसकी तो बात ही अलग है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके बताइए हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।